गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम ठीक होंगे। अभी नहीं हुआ बेटा टाइम, मैं बोल दूंगी। सृष्टि पूछ रही है ट्यूशन का टाइम हो गया, तो उसको बड़ी चिंता रहती है ट्यूशन जाने की। चार बार पूछ चुकी है मेरे से कि मम्मी टाइम हो गया क्या। तो फ्रेंड्स बस अभी जा रहे हैं, हम चाय वगैरह बनाएंगे, बच्चों को दूध वगैरह दूंगी, बच्चे जाएंगे ट्यूशन पढ़ने के लिए। अभी मैं जस्ट बिस्तर से खड़ी हुई हूँ, देखो बच्चे तो सो रहे हैं, यहाँ पे ये लेटे हैं, मैं खड़ी हो चुकी हूँ। और बिस्तर से निकलने के बाद काफ़ी ठंड लगती है, बहुत ही ज़्यादा। नहाने के बाद ठंड नहीं लगती, लेकिन अगर बिस्तर में छुप जाओ तो काफ़ी ठंड लगती है। तो बस शाम का टाइम हो रहा है, अब करते हैं शाम के काम स्टार्ट। और आज हमारे यहाँ हो गई एक गड़बड़। गड़बड़ क्या हुई, आज नहाने में इतना लेट हो गया ना, तो हमारे घर पर आज लाइट थी ना पानी था, कुछ भी नहीं था आज। तो हमने काफ़ी वेट किया लाइट का, अगर लाइट आएगी तभी समर चलती, पानी टंकी में से ख़त्म हो गया था। तो बस फिर हमने जनरेटर से चालू करवाई, समर जनरेटर रखा हमारे समर के पास। तो फिर उससे 2 बजे के करीब हमने चलवाई, वहाँ से पानी आया, फिर तब जाके हम नहाए। तो नहाते नहाते हम 2-2.5 बजे फ्री हुए। उसके बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, बेटियाँ आ गई थी, फिर उनको भी नहलाया, क्योंकि ठंड में सुबह तो हम बच्चों को नहला के नहीं भेजते हैं स्कूल, लेकिन हाँ शाम को नहला, स्कूल से आ जाते हैं तब नहला देते हैं। तो बस वही, फिर समर्थ को दवाई वगैरह दी मैंने, उसको भी सुला दिया है। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आज वीडियो मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह टाइम ही नहीं मिला और ऐसे ही हो गया आज पूरा दिन। तो चलिए करते। सृष्टि कार्टून देखती रहेगी? चलो खड़े हो। हाँ हो गया, भाई ने जग जाए, मोबाइल बंद कर दो बेटा, अब काफी टाइम हो गया, कार्टून देखती रहेगी। कैप कहाँ है तेरी? सृष्टि कैप कहाँ है? मैंने कहा रखी तो बेटा, स्कूल तो लगा के गई थी ना तुम, हैं? तो खड़े तो हो, फोन तो बंद कर, चल दूध पी ले। वो यहाँ पे सो चुका है हमारा समर्थ, सो रहा है देखिए। चल दूध लेके आ रही हूँ फिर। हाँ ठीक है, बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद मैं चली गई थी छत पे काम करने, क्योंकि छत पे दिन भर बच्चे रहते हैं धूप में, तो देखिए छत का क्या हाल कर देते हैं बच्चे, सारा सामान इधर उधर से फैला पड़ा है। और बिस्तर भी काफ़ी पड़े थे धूप लगने के लिए, क्योंकि ठंड में तो डेली बिस्तरों को धूप लगानी पड़ती है, तो अच्छा रहता है, गर्म भी हो जाते हैं बिस्तर। तो बस वही मैं छत की कर रही थी यहाँ पर सफाई, तो सफाई कर रही थी यहाँ पे मैं। फिर यहाँ पे मैंने चूल्हे वगैरह को भी साफ़ किया, क्योंकि आज पानी सारा चूल्हे पर ही गर्म हुआ था, क्योंकि लाइट नहीं थी हमारे यहाँ, तो छत पर ही पानी गर्म हुआ, चूल्हे पे वो भी ऐसे ही पड़ा था आज। तो बस उन्हीं कामों में लगी थी मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बना रही हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, और ये मैंने काजू बादाम और नारियल और किशमिश, ये सारा सामान लिया है मैंने, और छुहारे, तो इनके लड्डू बना रही हूँ, मखाने भी हैं, घी में बनाऊँगी मैं, जो कि मैं तीसरी चौथी बार बना रही हूँ, मैंने कई बार बना चुकी हूँ, ये ठंड में काफ़ी अच्छे रहते हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। हमारे घर में तो बस यही पसंद है सबको, इन्हीं को खाते हैं ज़्यादातर। अभी ठंड स्टार्ट हुई तब से ये 3री बार बन रहे हैं हमारे यहाँ।
बस वही तैयारी कर रही थी मैं नहीं, सॉरी, दीदी ने बनाए थे ये। और रेसिपी तो मैं आपके साथ 2 बार शेयर कर चुकी हूँ, तो बस रेसिपी नहीं दिखाऊंगी इस बार, बस बनाई रही थी। तो इन्जॉय कीजिए आप और देखिए। तो फ्रेंड, इन्हें मैंने घी में भून लिया और ये हो गए थे ठंडे। तो बस मैं इनको यहाँ पे मिक्सी में पीस लूँगी। सारे मैंने बारीक पीस लिए थे मिक्सी में ही, सारे ड्राई फ्रूट आसानी से पीस जाते हैं घी में फ्राई करने के बाद। तो बस ठंडे होने के बाद पीस लिए सारे। और इनके बनाए थे लड्डू, जो कि मैं क्लिप नहीं ऐड कर पाई, लड्डू वगैरह बना लिए थे हमने। और किचन से फ्री होने के बाद यहाँ पर मैं सिल रही थी ये अलमारी बच्चों की, जो मीशो से मंगाई थी बच्चों के कपड़ों के लिए। लेकिन मुझे तो बेकार ही लगी, क्योंकि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको तो ये चीज़ें मंगानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, कहीं कभी कहीं से फाड़ दी कभी कहीं से। तो इसको मैंने कई बार सिल चुकी हूँ, लेकिन छोटे बच्चे हैं, नहीं समझते वो, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ करी। कई बार तो उसकी चैन निकाल दी, कई बार ये यहाँ से इसी की सिलाई निकल गई तो ये फट भी जाती है। तो मैं तो यही बोलूँगी, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो तो इसको बिल्कुल ही ना मंगाएं। तो बस मैं उसी को ठीक करने में लगी थी। बस मैं कपड़ों की तेवे लगा करके रख रही थी शाम को, जो कि ठंड में काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। डेली का यही हाल है हमारे घर में, इतने सारे कपड़े होते हैं तय लगाने के लिए, धुलने के लिए ठंड में, क्योंकि बच्चे ही एक एक बजे कई कई कपड़े पहन लेते हैं। तो बस वही कपड़े वगैरह रख रही थी शाम के टाइम में, वही शाम के छोटे मोटे काम घर के उन्हीं में लगे रहते, ऐसे ही टाइम निकल जाता है, दिन का पता भी नहीं चलता कि कहाँ गया। और यहाँ पर मैं समर्थ की जैकेट में लगा रही हूँ बटन, जो कि उसने तोड़ ली थी, और डेली उसका यही है, छोटा है समझता है नहीं, कभी बटन तोड़ देगा कभी कहीं से कुछ। तो बस उसी की मैं बटन लगा रही थी यहाँ पे,
और फिर करूँगी मैं खाने की तैयारी इसके बाद। और देखिए समर्थ यहाँ पे देख रहा है, सॉरी देख नहीं रहा, वो सो गया है। और तो शाम का काम मेरा सारा हो चुका है और बस अभी कपड़े वगैरह तय किए मैंने, रखे हैं सारे, और बस काम से अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। अब करेंगे खाने की तैयारी, देखते हैं आज खाने में क्या बनाते हैं, क्या ही बनाना, वही सर्दियों में तो बस भथुआ के परांठे आलू के, तो वही सोचने के वही सॉरी सोच रही हूँ बनाने की। आज बनाते हैं हम भथुआ के और आलू के परांठे, जो कि आपको दिखाती हूँ अभी। तो बस समर्थ अभी सोई रखा है, वो अभी सो के नहीं उठा है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आलू उबालने के लिए रखने हैं मुझे अभी, तो चलिए रखते हैं आलू उबालने के लिए। आलू हैं फ्रिज में से लाऊं? पाल लिया मैंने यहाँ पे भथुआ, ये दो दिन पहले तोड़ के लाए थे खेत से, मम्मी लाई थी। इसको मैं कर लूँगी साफ, वैसे इसमें कुछ है नहीं, एक दो गेहूं का ही दाना है बस, सॉरी दाना नहीं पेड़, गेहूं का पेड़ है एक आदि, वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, साफ है एकदम, गेहूं का ही पौधा है ये। तो इसे थोड़ा मैं साफ कर लूँगी, फिर इसे काट के तब धुलेंगे, और इसे मैं आलू के साथ ऐसे कच्चा ही मिक्स करेंगे, इसके परांठे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। आपको दिखाते हैं इसकी रेसिपी, बना के ज़रूर देखना, इस तरीके से काफ़ी टेस्टी बनेंगे। काट रही हैं भथुआ, देखिए ऐसे ऐसे बारीक बारीक, हाथ नहीं ले लूँ, मेरा हाथ ना कट जाए इन वीडियो के चक्कर में। इसको हम मिलाएंगे आलू की चटनी में, उबले हुए आलू में, तो इसे काफ़ी टेस्टी पराठे बनते हैं, और दिखाएंगे आपको पूरी रेसिपी, देखिए कितना बारीक बारीक है। तो फ्रेंड्स चलिए, तो आलू उबल गए हैं हमारे, ये मैंने आलू उबाल के उबल तो गए, छील के रख लिए हैं, ये है भथुआ। अभी इसके लिए करूँगी प्याज कट, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कर रही हूँ चटनी तैयार पराठे में भरने के लिए, तो मैंने आलू में डाला है प्याज, लहसुन का पेस्ट, मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और भुना हुआ जीरे का पाउडर, गरम मसाला और नमक, और ये भथुआ ऐड कर दूँगी। बस मैंने यही सब चीज़ डाली, नॉर्मल मसाले हैं। तो फ्रेंड्स ये मसाले डालने के बाद मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है अच्छे से पूरी चटनी को, तो अब इनको बस हम आटे में भर के पराठे बनाएंगे, जो कि काफ़ी टेस्टी बने थे, आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बेहद पसंद आएंगे। तो हम तो इसी तरीके से बनाते हैं, और आप बताना कैसे। फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का टाइम, बच्चे आ गए घूम के नौरे प्लॉट से, और अभी मैं उसका होमवर्क कराऊंगी, सिस्टी बैठी है बुक वगैरह लेके, कर रही है मेरा इंतज़ार, और बस अभी खाने की तैयारी करवा दी है, जीजी बना रही हैं खाना, तो सब लोग हैं छत पर, हमारे यहाँ चूल्हे पर ही बनता है, तो बन रहे हैं, आपको तो पता ही है, रेसिपी शेयर की है मैंने आलू के और भथुआ के परांठे, और बस मैं सिस्टी का होमवर्क करवाऊँगी, सिस्टी यहाँ बैठी है, अपने आप होमवर्क नहीं करती है, बस इसके साथ में कोई चाहिए बैठने के लिए, लिख कर खुद से लेगी लेकिन साथ में बैठने के लिए चाहिए। किसके लिए? हमारे लिए, हमारा होमवर्क करवाए, हमें तैयार करे, इस घर का काम करे। फिर मम्मी क्या करेंगी? मम्मी तो आराम से सोएंगी, क्योंकि उनको तो पहले से ही बुखार है ना। अच्छा बस ऐसे ही बातें बनवा लो इसे। तो फ्रेंड्स मिलूंगी आपसे थोड़ी देर बाद, इसको थोड़ा एक घंटा में पढ़ाऊंगी अभी। फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स बस मैंने वीडियो यहीं तक कंटिन्यू कर पाई, और इसके बाद बच्चों को सुलाने में खाना पीना खिलाने में लग गई थी मैं। और फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।